नमस्कार, डीवी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। कानपुर से सीएसटी मुंबई जा रही ट्रेन से एक यात्री की नर्मदा नदी के पुल से नीचे गिरने से मौत हो गई। युवक की लाश बहते हुए हासलपुर घाट जा पहुंची। 12 घंटे बाद सूचना पर पुलिस और उसके परिजन पहुंचे। युवक की पहचान सोनू पिता शिवचरण लोधी निवासी ग्राम भदवा फतेहपुर यूपी के रूप में हुई है। देहात थाना पुलिस ने मृग कायम कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मृतक युवक सोनू लोधी अपने भांजे आशीष लोधी और उसके दोस्त के साथ मुंबई नौकरी की तलाश में जा रहा था। वे मुंबई बांद्रा एक्सप्रेस में कानपुर से बैठे हुए थे। वहीं ट्रेन में भीड़ होने से सोनू लोधी ट्रेन के गेट पर खड़ा हुआ था। रात करीब 3 से 4 बजे के बीच जब ट्रेन नर्मदा पुल से पार हो रही थी, तब अचानक वह युवक ट्रेन से बाहर सीधे नदी में जा गिरा। ट्रेन का सीधा इटारसी में स्टॉपेज था, इसीलिए उसके साथ ही इटारसी उतरे। वहीं सोनू के परिजन को भी घटना के बारे में जानकारी दी गई। अगले दिन सुबह बुधनी थाना पहुंचकर घटना के बारे में जानकारी दी गई। नर्मदा नदी में युवक की तलाश भी की गई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। घटना स्थल से करीब 7 किलोमीटर दूर देहात थाना क्षेत्र के ग्राम हासलपुर घाट पर एक लाश मिली। पुलिस ने उसकी पहचान सोनू लोधी के रूप में की है। ऊंचाई से गिरने से आई चोट के कारण उस युवक की मृत्यु होना बताया जा रहा है।